वो जो तीन अवस्था कही है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उनमें क्या डिफरेंस है? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? फर्क क्या है? जी, और इस एक सुषुप्ति है, तो तीसरी जो सुषुप्ति है इसकी चौथी अवस्था भी कही जाती है, इसे तुरीया अवस्था कहते हैं। चार अवस्था होती है, चतुर्थ अवस्था तुरीया अवस्था, लेकिन तीन ज़्यादातर ये तीन अवस्थाएं होती है। तो जब तक हमारी अहमता, अहम भाव, हमारी आइडेंटिटी अपने व्यक्तिमत्व के साथ है, मतलब फिजिकल आइडेंटिटी है, जब तक अपने आप को शरीर समझ रहा है, मैं इतनी ही हूँ, मेरा ये नाम है और मेरा ऐसा रूप है, नाम रूप में जब तक हम पक्के बंधे हैं, क्या मेरा नाम इधर रख दिया, मैं इधर जन्मित है, मतलब अपना जो इतना है 5, 5.5 फुट 6 फुट जो भी है, जो रंग है जैसा, वो फिजिकल आइडेंटिटी है, मतलब फिजिक के साथ, मतलब वस्तु के साथ, मैटर के साथ आइडेंटिफाइड है। ये मैटर है ना, वस्तु है, इसमें खो यह किए तो ठोक 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 होता है, हड्डी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, पंच महाभूतों के साथ, उसमें जो जब तक हमारी आइडेंटिटी है, उसमें ये जो तीन अवस्थाएं होती है, जैसे मैंने आज के सत्र के प्रारंभ में कहा था, जो सुषुप्त अवस्था होती है, घनी भूत अवस्था जिसे कहते हैं, मतलब डेंस डीप स्लीप, एकदम सोए हुए हो, कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ भी नहीं, मैं नाम का क्या होता है, होना मतलब क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है ना। हम लोग सभी अनुभव करते जो कहते हैं बहुत अच्छी नींद हुई, और उस समय क्या हुआ था कुछ भी पता नहीं था, उस समय में एकदम कंप्लीटली सोए हुए थे ना, घन सुषुप्त, लेकिन मरे नहीं थे, सांस चल रही थी, रक्त प्रवाह चल रहा था, प्राचन क्रिया चल रही थी, रेस्टिंग रेस्टोरेशन सब चल रहा था, सब। अगर वो आंखें खुली रुक कर भी हो सकता, लेकिन एक बात खाली सो गई थी, एक ही सो गया था। हम जो वास्तविक में है, चेतना जिसे कहते हैं, चैतन्य जो है अनअवेयर हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे मानव जैसे, है ना। बाकी तो सभी तो चल रहा था, नहीं तो वास्तविक में डेड हो जाते थे अगर, और सब बंद हो जाता। सो नथिंग हैड स्टॉप्ड, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, ओनली आई, कोट एंड कोट आई, जिसको मैं समझता हूँ अपनी जो चेतना, चैतन्य, वो सो गया था। उसके बाद की जो अवस्था है उससे थोड़ी ठीक ठाक प्रोग्रेसिव सेकंड, जैसे अंग्रेजी में जो अगर हम कहें तो इन्फेरियर, मीडियोकर एंड सुपेरियर, ऐसे तीन अवस्था कहते हैं ना, कि मीडियोक्रिटी मतलब बीच वाले हैं, फालतू है, बेकार है, और इन्फेरियर जो होता है एकदम ही थर्ड क्लास है कहते हैं जैसे, और सुपेरियर मतलब ये बढ़िया है, सोना है, ये सूच है। तो वो सुपेरियर वाली जो, उसमें तो बीच वाली जो अवस्था मीडिया, वो स्वप्न अवस्था में जैसे सोए थे उस समय, जैसे सांस चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ जानते हैं, देख रहे हैं अपना, ये तो मेरे पिताजी का ऐसा हो गया, मैंने उधर गया था, ये उस समय उतना सच लग रहा है। देयर इज़ अ नैरो बैंड ऑफ एक्सपीरियंस विच फील्स रियल, वी नो आवरसेल्व्स टू बी ह्यूमन्स, और ये जानते हैं कि पंछी होता है, ऐसा होता है, क्योंकि दूसरे उठने के बाद बताते हैं कि मैंने ये देखा, वो देखा, मतलब उस समय कुछ तो चेतना जागृत है ना, चैतन्य तो है, एकदम डेड स्लीप नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। उस समय ये जानते यार वी आर अलाइव, ऐसा हो रहा है, वैसा है, लेकिन वास्तविक सत्य की कोई कल्पना नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें ये भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उस समय वो लिमिटेड सत्य पूर्ण सत्य लग रहा है। वो स्वप्न अवस्था है, बीच वाली मीडियोक्रिटी, ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन है ही नहीं, ऐसी भी नहीं। और सुपेरियर जो है, जिसे जागृत अवस्था कहते हैं, उसमें क्यूमुलेटिव, जैसे मैंने कहा था, growing with it, in it, and I'll explain that to you what that means, कि उसमें तीनों पता है। अब मैं जाग रहा हूँ तो अभी मेरे चेतना चैतन्य जागे, अवेक है, अभी मेरे को ये पता है कि हाँ सोना ऐसा कुछ होता है, सोने ना, सोना मतलब सोने की अवस्था, सोया, स्लीपिंग नाम की स्टेट होती है, अवस्था होती है, डीप स्लीप होती है, उसमें मैं होता हूँ, उसमें मैं जानता नहीं हूँ फिर भी मैं होता हूँ, उसमें मेरा रक्त भी चलता है, सांस भी चलती है, ये सब मैं जान रहा हूँ अभी, उस अवस्था को मैं अभी जान रहा हूँ, इवन दो आई एम इन दिस अवस्था, बिकॉज दिस इज द सुपीरियर, which includes that अवस्था। इस अवस्था में मैं इसको भी जान रहा हूँ कि हाँ मैं सपना देखता हूँ। परसों के दिन मैंने ऐसा सपना देखा था, कभी अच्छे सपने पड़ते हैं, कभी बुरे, सपने में कुछ का कुछ दिखता है, पता नहीं पिछले जन्म का, ये सब जानता हूँ। अभी नहीं देख रहा हूँ सपना, लेकिन सपना मतलब क्या होता है ये भी समझ रहा हूँ। तो मैं सुषुप्त अवस्था को भी जान रहा हूँ, स्वप्न अवस्था को भी जान रहा हूँ, और जागृत अवस्था तो वास्तविक है। अभी क्या हो रहा है अब तो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ बिल्कुल। सो माई कॉग्निशन, माई कॉग्निटिव एबिलिटीज, मेरी समझने की क्षमता, अपनी जो ताकत है वो क्यूमुलेटिवली ग्रो हो रही है। When I was sushupta, it was as if dead, but not really dead, as if dead. It was almost not there. Swapna avastha mein I had about halfway through. I could process some things. That and this. Jagrita avastha mein that and this. The whole thing is there. So जैसे मैं तीनों को जानता हूँ, ये जब तक मेरा physical identification है, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर जब तक ये है कि मैं अनुपा रिखी हूँ अथवा मैं ये जीतू भाई हूँ, उतना हूँ, ऐसा दिखता हूँ, यहाँ रहा हूँ, यहाँ खुला, तब तो यहाँ तक ही लिमिटेड है। लेकिन वास्तविक जागृति जब होती, यही तीन अवस्था इसमें दिखाई देने लगती है कि अरे ये जो पत्थर है, शिला पड़ी है, गुवा है, पहाड़ है, मिट्टी का ढेला है, जो कुछ भी है, इसमें भी चैतन्य है, ये भी चेतना है, उतनी की उतनी पूरी की पूरी है जितनी मेरे में है, लेकिन ये कंप्लीटली सोया हुआ है, डेड। इसमें भी एटम्स, मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे सब चल रहा है। दिस इज द ट्रूथ। जैसा मेरे में चल रहा है, मेरे सेल्स में जैसे अणुओं का, परमाणुओं का खेल चल रहा है, तो उनमें भी चल रहा है उतना को उतना, लेकिन वो लोग वाइब्रेंट नहीं है, अवेक नहीं है, उनकी कॉग्निशन सोई हुई है, इसलिए उनको 10,000 साल हो गए, कुछ पता ही नहीं है। जैसे मैं 6-7 घंटे से सोया हुआ, पता ही नहीं है कौन है, क्या है, कैसा है, ऐसा कैसा सोया हुआ है गधा। तो ऐसे वो है, लेकिन ओनली है वो, इसलिए मैं उनका अपमान नहीं, उन पर घृणा नहीं, उनका कुछ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो थर्ड अवस्था में वास्तविक जो है वो भी रियल है। और जो सेकंड अवस्था है, जैसे स्वप्न अवस्था थी, उसमें भी जो प्राणी है, पंछी है, पक्षी है, वृक्ष है, एकदम डेड, एक जैसे वैसे नहीं हो, तो कोई मारने को आ जाए तो भागते हैं, कोई हड्डी डाल दे तो दौड़ते हैं, कुछ तो जानते हैं, लेकिन उसके जितना प्रोग्राम लिमिटेड उतना जानते हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं जानते। जैसे सपने में जो आता है उतना ही जानते हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं जानते। वैसे कैसे 10,000 हजारों साल हो गए, लेकिन कुत्ता वैसे ही करता है। कोई अपने घर नहीं बांधे, कुछ अपने कपड़े वपड़े पहनने की व्यवस्था नहीं करी, कुछ ठीक ठाक परफ्यूम वर्फ्यूम नहीं, ग्रूमिंग कुछ नहीं, ऐसे कैसे रहते हैं? तो वो स्वप्न अवस्था, जैसे सपने में जैसा है वैसा ही होता है, कोई चॉइस नहीं होता अपने को। सपने में चॉइस होता है क्या? नहीं होता। कंट्रोल में झक मार के देखना पड़ता है, जो दिखाई दिया जा रहा है प्रोग्राम्ड है। ऐसे कुत्तों को चॉइस नहीं होता, बिल्ला को चॉइस नहीं होता, मछली को चॉइस नहीं होता, जो है वैसा है, जस्ट चल रहा है, सब वैसा है। बट इट इज स्टिल एन इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, बिकॉज दे स्टिल नो समथिंग, दे आर नॉट कम्प्लीटली आउट। एंड जो मनुष्य अवस्था है, द ओनली स्पीशीज, इसमें वो भी जानता है, वो भी जानता है, और ये भी जानता है, और सबों को एक साथ जानता है क्यूमुलेटिवली, कि हाँ मैं पत्थरों को भी समझता हूँ, उनमें भी है, मैं पंछियों को भी जानता हूँ, उनमें भी है, लेकिन थोड़ा इवॉल्व है। मैं अपने आप को जानता हूँ, इसमें पूर्ण प्रकट है, पूरा प्रभु आराध्य, पूरे का गुणगान, पूर्ण पुरुष परमात्मा, इसमें पूर्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम है इसमें। तो ये जब जागृति होती है, तब the higher reality, the higher truth, the higher plane becomes visible. तो इसमें भी क्या है कि खाली मेरी consciousness, मेरी चेतना, मेरा चैतन्य इस यहाँ इसमें आकर भी अगर मैं उसी में डाल दूँ कि कुत्ता बिल्ली जैसा, वो खाने पीने की, जैसे शंकराचार्य ने कहा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 बातों में मैं गधे जैसा कर दूँ कि खाने पीने की व्यवस्था कर दी, सोने की कंफर्ट की व्यवस्था कर दी, और अपने बाल बच्चों की व्यवस्था कर दी, और सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सेफ डिपॉजिट, सीडी, ये वो सब, हमने सिक्योरिटी सिस्टम, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो कहते हो तो फिर तुम इधर से आकर के फिर से सपने में चले गए। अब प्रोग्राम्ड जीवन जीना पड़ेगा। अच्छा सपना आएगा तो हंस पड़ोगे, बुरा सपना होगा तो रो पड़ोगे। तो अपने बच्चों का सब ठीक आता है तो खुशी में होते हैं, जॉब मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया, मस्त ये वो, और उनको कुछ हो जाए तो रोना धमाधम हो जाता, अरे अरे ऐसा कैसा हो गया, वैसा हो गया, बुरा सपना शुरू हो गया, क्योंकि सब होते हुए उधर की ओर चले गए, उल्टी दिशा में, और तो नया जागृत होते हुए। और दारू पी लिया, ड्रग्स कर लिए तो और ही उधर ही बैठ गए, बैठे रहे, फिर तो पत्थर के नए हो गए बिल्कुल ही। तो इसलिए इसका मनुष्य देह का प्रयोजन है कि इसके जागृत करने की। तो वो जो मेरी परमात्मा के साथ जब आइडेंटिटी हो गई दीदी, जैसे अगर हो जाती है किसी की, तो मैं अभी मेरी फिजिकल आइडेंटिटी अगर नहीं रही, मेरे लिए मैं नहीं, ये नहीं हूँ, मेरे लिए वो मैं हूँ, मैं वो है, तो फिर वही स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था को मैं देख पाता हूँ कि ये पत्थरों में मैं ही हूँ, वास्तविक सत्य, पहाड़ों में मैं ही हूँ, सोया हुआ घनीभूत में, ये पंछियों में, वृक्षों में, मछलियों में मैं ही हूँ। थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ, प्री प्रोग्राम जीवन जी रहा हूँ, और इस मनुष्य देह में, मनुष्य रूप में, स्वभाव में, सभी मनुष्य में मैं पूर्ण रूप से जागृत हूँ, इस रूप में हूँ। तो और ये सब एग्रीगेट, द सम टोटल, द जीतू भाई दैट वॉज स्लीपिंग प्लस द जीतू भाई दैट वॉज ड्रीमिंग प्लस द जीतू भाई दैट is awake, altogether the aggregate, the sum total is the full and complete Jitubhai. That was not a separate, different Tukada Jitubhai, and this is another one. The aggregate, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं हमारे शास्त्र में, अथवा जिसे ये संपूर्ण विश्व रूप कहते हैं, ऐसे ही पत्थर, गुफाएं, पंछी, पक्षी और मनुष्य, पुरुष, स्त्री, ए संत, महात्मा, गुंडे, बदमाश, चालाक, चापलूस और एकदम साधु सज्जन, इस सब मिला के एग्रीगेट जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उस जिसको विश्व रूप कहते हैं। तो इफ़ यू आर फिजिकली आइडेंटिफाइड, दैट्स दोज थ्री स्टेट्स, इफ़ यू आर स्पिरिचुअली आइडेंटिफाइड देन दीज आर दीज थ्री स्टेट्स, बट द ट्रूथ इज द सेम, इट्स ऑलवेज देयर, सो इट्स अप टू अस, वेयर डू आई वांट टू आइडेंटिफाई, वेयर डू आई वांट टू गो विद इट। दिस मे नॉट हैव एग्जैक्टली आंसर्ड योर क्वेश्चन, मे बी you and I can talk separately, and I can pinpointedly get to your question and stuff. But hope this helps. I hope so. Yeah. So, Uncle Ji, extra time मिल गया अभी, आज कमाई हो गई हमारी भी। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव. Thank you again for your support with the Hungry Kids.